कहाँ गए वो नेता जो जोर जोर से बोलते थे टोल करेंगे बंद बस आंखों में धूल झोलते थे, जब इनको चाहिए था वोट तब ये घर के आगे डोलते, फिर 5 साल तक ये दरवाजे भी नहीं खोलते। एक इनका पहले भी इंटरव्यू देखा था, मीडिया वालों ने कुछ सवाल पूछा इनसे, ये उनके ऐसे घुटने पे कह रहे बस बस भरावा बस घर, वो भी एक इनकी थी। तो उसके बाद इनको कल भी पूछा जा रहा था कि आप युवा रायपुसावा से माफी मांगेंगे, ये सवाल घुमा दे रहे थे इस कदर से जैसे इनको पूछा जा रहा है आपके चाचा का क्या हाल है, ये फूफा का बता रहे थे, फूफा ठीक है। पूछा कि तो पहले डोगरे हो लीडर हो, मैं महाराज 3 बार मेयर बना हूँ, जनता ने प्यार दिया है, और महाराज जनता का प्यार कमेंट दिखो दो, पढ़ो कमेंट, जे तुह आखे तो पीए नहीं रखे तो महाराज दो 20,000 रुपया बेर होगा फिर तुम्हारा पीए बन जाने, तो कमेंट पढ़ाई पढ़ाई सुना के आखा लोग जो तो आखे जनता का प्यार है। और मैं आखा तो मंगन से जाओ बोर्ड तो नोट भी देने होना कन्ना कन्ना, तो एक बार घर से जाओ तुम कोई पानी भी पूछा गेट बंद कर लाने, तो दिखे अगर घर घर पिट बोला दिखे कुछ मगन नहीं लान मतबाज नहीं। साथ इसमें राघव सिंह मौजूद है जो युवा राजपूत सभा से है, और रिसेंटली अभी जैसे कविंदर गुप्ता की एक स्टेटमेंट आई है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई है, फिर इनके बाद उनका रिएक्शन आया है उनके ऊपर, इन्होंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी हैं। पहले तो आप वो पंक्तियां बताइए जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई है, बाकी बात आपसे बाद में करते हैं। वो पंक्तियां कुछ ऐसी थी, कहाँ गए वो नेता जो जोर जोर से बोलते थे टोल करेंगे बंद बस आंखों में धूल झोलते थे, जब इनको चाहिए था वोट तब ये घर के आगे डोलते, फिर 5 साल तक ये दरवाजे भी नहीं खोलते। मैंने कुछ इस प्रकार से कहा था कि तब तो ये कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें उसी वक्त क्यों नहीं बताया जब मौका आएगा हम अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने उनको कल भी कहा था, आज भी वो अगर खुश ना हुए कि हम वहाँ पे नहीं पहुँचे, क्योंकि ये लोग तो बेशर्म है, हमें अपने जवानों का बहुत ही अफसोस है, इसलिए हम वहाँ नहीं गए, हम उन्हें पहले श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, जो हमारे देश से कमा रहे हैं उनसे हाथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम सीधे तौर पर कहेंगे सीधे साफ चलो डोगरों के साथ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जैसे कविंदर गुप्ता की स्टेटमेंट आई, फिर युवा राजपूत सभा ने भी रिएक्ट किया कि गाड़ी इधरू मोड़ लेनी है उधरू मोड़ लेनी है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अब रविंदर रैना जी ने कल माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ की तरफ से, क्या आप उस चीज से सेटिस्फाइड है? अब कमाल है मारा ही है, प्यो ने मर्डर किए पुत्र माफी मंगा या पुत्र ने मर्डर किए प्यो माफी मंगा, वो थोड़े काम गल बनती, कानून सजा उसी का दिता जो गलती करता हाँ उसी है, उसे को माफी चाहिए है, तो चुपचाप लिवी आखा था माफी मंगी ओड़ो, ये नहीं सोचो कि अस उत नहीं आए, अस जमाने अं बड़ा अफसोस है, क्योंकि पाकिस्तान वो जो पाकिस्तान जिंदे को टमाटर खरीदने पैसे नहीं रुपये का टमाटो सास पाइए जो तड़का लाइए रोटी खाते हैं, वो अज ये शर्मनाक हरकत करिए पिट्ठी पर फेर वार करिए। तो मैं आखना चाहना कि जी बीजेपी है वो महाराज जम्मू पर नहीं ध्यान दो, उनके शहीदों का बदला ले दो अं। अच्छा, आज युवा राजपूत सभा का क्या प्रोग्राम था, मतलब यहाँ आप पहले बीजेपी का घिराव करने जा रहे थे आज सुनने में? यहाँ जी जी हमारा यही तैयारी थी, लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे जवान जो शहीद हो गए हैं इसलिए हमने वहाँ जाना अवॉइड कर दिया, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंस जवानों के लिए है, इनके लिए क्योंकि ये तो यहीं पर रहेंगे, ये मतलब बस कैमरे के आगे, ये देखिए ये हालात कुछ ऐसे हैं, कई गेम 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 साड़ी गेम पाते हैं, कई फेम 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 साडा थले लाते हैं, कई उत्तू फड़ मित्रा सुटना है चाहते पर इंदा बैड लक कितने सुट पाते हैं, ये भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं हमें गिराने की, लेकिन इसे गिर रहे नहीं है हम, क्योंकि हमारे साथ जनता का प्यार है, ये रायपुर सभा रायपुर सभा नहीं है, ये डोगरा सभा बन चुकी है, हमारे साथ जनता का प्यार है, तो इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं माफ़ी मांग लीजिए, रविंदर रैना की माफ़ी से कुछ नहीं होगा, हमें जिन्होंने गलती की है उनसे माफ़ी मंगवानी है, इसलिए हम उन्हीं से कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लीजिए, आप भी खुश रहेंगे और जनता भी खुश रहेगी। आपको क्या लगता है ये बुखला जाते हैं या मतलब कोई ऊपर से प्रेशर आता है जो कोई बोलता है इनको कि ये काम करने के लिए, ये स्टेटमेंटें देने के लिए? ये तो सभी को दिखता है ये बुखला गए होते हैं। एक इनका पहले भी इंटरव्यू देखा था, मीडिया वालों ने कुछ सवाल पूछा इनसे, ये उनके ऐसे घुटने पे कह रहे बस बस भरावा बस घर, वो भी एक इनकी थी। तो उसके बाद इनको कल भी पूछा जा रहा था कि आप युवा रायपुर सभा से माफी मांगेंगे, ये सवाल घुमा दे रहे थे इस कदर से जैसे इनको पूछा जा रहा है आपके चाचा का क्या हाल है, ये फूफा का बता रहे थे, फूफा ठीक है, इस तरीके से ये सवाल बदला दे रहे थे। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है या प्रेशर भी ऊपर से है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात होने डोगरे तो खंड मीठे लोग डोगरे हैं, ये तो माफी दे देंगे ने, एरे जो कोई शक नहीं है खंड मीठे लोग डोगरे हैं, उन्हें कल भी पूछा गया तो पहला डोगरे हो या लीडर हो, उन्हें दिता मैं भी दिखा दा, उन्हें बाइट दिखा दा होंगी, उन्हें नहीं जवाब दिता, उन्हें पूछा कि तो पहला डोगरे हो लीडर हो, मैं महाराज 3 बार मेयर बना हूँ, जनता ने प्यार दिया है, और महाराज जनता का प्यार कमेंट दिखो दो, पढ़ो कमेंट, जे तुह आखे तो पीए नहीं रखे तो महाराज दो 20,000 रुपया बेर होगा फिर तुम्हारा पीए बन जाने, तो कमेंट पढ़ाई पढ़ाई सुना के आखा लोग जो तो आखे जनता का प्यार है। आज मेरे को उधर जानते हैं होम मिनिस्टर जानता है, प्राइम मिनिस्टर जानता है,
आप मेरा नाम डाल के देखे ना आदि मारे अकड़ नहीं दसो ना तो मेरा भाइय दिख लो भीर हों भाइय दिख लो ना आदि अकड़ नहीं दसो ये ना अगर जनता ने दिता हा तो उसे जनता तुम्हें आखी है कि माफी मंगो अगर तुम जनता कन्नै आए अगर तुम जनता ने तुम बनाए मारे अच्छा दो एसियां कमरे बेहिया गड्डिया घूमिया डैल मारे दो जो आखे पैसे नहीं तुंदे को मारा हो तो तुंदे सूटे पर दिखता मैं ये सवारी सूट तो सवारी सूटे बगैर घरों बाहर नहीं निकलते तो आखे पैसे नहीं तुंदे को झूठ मारे जनता अगर पड़ता जरा हटी गए सब किस ला जनता भी तो अं भी ला चुपचाप माफी मंगला बार बार ही आख दें नहीं तो जो कल आरा रुख है जो तुंदे आ बखी हो और ये वही लीडर हैं जो थोड़ी देर पहले एक और स्टेटमेंट देने की वजह से बड़ी सुर्खियों में थे उन्होंने कहा जनता भाड़े की टट्टू है और तो महाराज अं भी ला कौन भाड़ी का टट्टू है जनता ही अगर तो इन्नी गल आखी है फिर तुंदा मतलब वोट तो उन्हीं से लेने उसी जनता से लेने हूँ वोट मैं आखना तो मंगन से जाओ वोट तो नोट भी देने कन्ना कन्ना तो एक बार घर से जाओ तुम कोई पानी भी पूछा गेट बंद कर लेने तुम दिखे घर घर पिट बोल है दिखे कुदा मगर नहीं लान मतबाज नहीं आखे ये जनता जो तुम इन्ना किस आखे ना माफी मंग लो जनता जनार्दन है जरा तुम अज फुलके घ्यो लाइए खा दो ना ये भी जनता ही देना है तो बाज नहीं आखे जनता जनता जो पागल हुई ना तो फिर मारे कोई ताकत नहीं रोकी सकती ठीक है ये राघव भाई हमारे जो कि पंक्तियां लिखने के लिए बड़े मशहूर है कोई भी मसला हो हमारे जम्मू में इनके दो तीन लाइनें आ ही जाती हैं क्यों भाई और अब आपका अपना यूट्यूब चैनल भी बता दिए ताकि लोग आपको भी देख लें मेरा किंग आर एस एम नाम से यूट्यूब चैनल है मैं वहां पर आवाज़ उठाता रहता हूं मेरे गाने आ जाते हैं और 23 ऑफ सितंबर महाराजा हरि सिंह के बर्थडे पर मेरा गाना रिलीज हो रहा है मैं आपको बता दूं उसमें मैं सभी को जवाब दूंगा जिसमें हमारे राजन सिंह हैप्पी जी भी हैं और मनदीप सिंह जी भी हैं ये गाना आ रहा है हमारा 23 को इसलिए आप बहुत सुन लीजिए उसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं पिठ पीछे पोंक लैना कम सौखा है मूहरे आके इन्हों तो गल नहीं होंगी जिथे पे साडे वैर उत्थे डूंगे मसले फिर गल गन तो बगैर फिर हल नहीं होंगी ठीक है रायपुर सभा महाराजा दी थां ताइयों चलदा है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ महाराजा हरि सिंह की स्टेट है यहाँ पे खंड मीठे लोग उन्होंने डोगरों ने बसाए हैं उन्होंने बसाए हैं डोगरे यहाँ पे खंड मीठे उनमें जहर मत गोलिए बाद में अंजाम अच्छा नहीं होगा आपको मारे आपसे सब कुछ आपका बिक जाएगा कि जनता अपने पे आ गई इसलिए जनता पे माफ़ी मांग लीजिए जनता ही जनार्दन है जनता इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है और वहीं से नीचे भी गिरा देती है इसलिए मैं कह रहा हूं माफ़ी मांग लीजिए माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता तो ये युवा राजपूत सभा से राघव थे हमारे साथ जो कह रहे हैं कि कविंदर गुप्ता जी माफ़ी मांग लीजिए कोई भी माफ़ी मांगने से बड़ा या छोटा नहीं होता है।